गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 2 नोट्स। पार्ट 1 ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखें पहले पार्ट 1 देखेंगे और फिर उसके बाद आज की वीडियो में मैं पार्ट 2 के 6 टॉपिक कंप्लीट कराने वाली हूँ। कल भी मैंने 6 टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवाई थी, तो आज भी मैं 6 टॉपिक कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है सेपरेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेटिंग टू इमिश्योर लिक्विड्स, सेपरेटिंग अ मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, सेपरेटिंग डाइज इन ब्लैक इंक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए कल का कुछ टॉपिक्स और भी जो इंपॉर्टेंट लगा है वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन। When no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. मतलब जब किसी दिए गए temperature पर घोल में किसी भी अधिक मात्रा में घोल नहीं डाला जा सकता, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, saturated solution कहा जाता है। Unsaturated solution क्या होता है, When more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. जब सॉल्यूट की अधिक मात्रा किसी दिए गए तापमान, किसी दिए गए टेम्परेचर पर डिजॉल्व में, मतलब विलयन डिजॉल्व में घुल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। दिए गए तापमान, जो तापमान गिवन है उस पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मौजूद जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की मात्रा, उसकी क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब हम लोग इसके जो नीचे पॉइंट दिया हुआ है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन है उसमें जो दिए गए अमाउंट में मौजूद जो सॉल्यूट प्रेजेंट होते, सॉल्यूट की जो मात्रा प्रेजेंट होती है वो मास और वॉल्यूम में मौजूद सॉल्यूशन की मात्रा है, और इसके अलावा किसी भी दिए गए जो मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की मात्रा में जो घुलने वाली जो मात्रा होती है वो घोल की क्या कहलाती है, वो घोल की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। हेयर अमाउंट मीन्स मास और वॉल्यूम, जो अमाउंट है यहाँ पे मास और वॉल्यूम्स है। टू मैथड्स ऑफ फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये आपका फार्मूला है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन और इसके प्रॉपर्टीज यानी उसके गुण। अ सस्पेंशन इज अ हाइड्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द रिपीटेड स्टूडेंट द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द वर्क ऑफ द मीडियम, एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, स्मोक इन द एयर। मतलब जो सस्पेंशन है वो क्या है, हाइड्रोजेनियस मिक्सचर्स है, और इसमें जब सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो रिमेन है, रिमेन है वो क्या होता है, पूरे वर्क में थ्रू आउट हो जाता है, निलंबित रहते हैं, जैसे चॉक इन वाटर और स्मोक इन द एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, इट इज़ अ हेटरोजेनियस मिक्सचर्स, ये क्या है, हेटरोजेनियस मिक्सचर्स है, और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजुअल टू द नेक्ट आई, और इसे आप ये नेक्ट आँखों से दिखाई देते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 nm, और जो इसका साइज होता है, पार्टिकल की जो साइज होता है वो 100 nm से अधिक होता है। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर सॉल्यूट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
और ये क्या होता है, एक अनस्टेबल मिक्सचर्स है, मतलब अस्थिर मिक्सचर्स है, फिक्स नहीं है, अनस्टेबल मिक्सचर्स है। और सॉल्यूट समय के अवधि पे, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, सबसे नीचे बैठ जाता है। इफ द सॉल्यूशन इज पासड थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। यदि इसको फिल्टर पेपर के माध्यम से पास किया जाए या पारित किया जाए तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट है आपका, इट स्केटर्स लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज इट शोज टिंडल इफेक्ट। और यह क्या करता है, लाइट को बिखेरता है, ठीक है। और जब प्रकाश के थ्रू मतलब पारित किया जाता है या तो ये क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोलाइडर सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कोलाइडर सॉल्यूशन इज हेटरोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर्स है। इसमें जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के आकार क्या होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच होते हैं। कोलाइडर पार्टिकल्स कैन इजली स्केटर अ बीम ऑफ विजुअल लाइट, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यह एक क्या है, कोलाइडर जो होता है, कोलाइडर के जो पार्टिकल होते हैं वो आसानी से क्या होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की किरण को वो बिखेरता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज इंडिविजुअली। कोलाइड के कणों को व्यक्तिगत रूप से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इट इज़ अ हेटरोजीनियस मिक्सचर्स एंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। और यह क्या है, एक हेटरोजीनियस मिक्सचर्स है और इस प्रकार का सॉल्यूट और सॉल्वेंट है जिसे फिल्टर पेपर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जो पार्टिकल्स का जो आकार है वो क्या होता है, वो सस्पेंशन से छोटा होता है लेकिन सॉल्यूशन से ग्रेटर होता है, यानी बड़ा होता है। इट इज़ ए स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यह एक स्टेबल मिक्सचर्स है और समय की अवधि में पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बॉटम में नहीं बैठते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्बड, विच मीन्स कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। जब वे खाली नहीं रहते तो इसका मतलब यह नहीं होता कि कोलाइड काफ़ी स्थिर है, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स इन द टेबल। अब आप इसमें देख लो, कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिया हुआ है, लिक्विड, गैस और टाइप एरोसोल। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट, सॉलिड, गैस और एरोसोल, स्मॉग, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गैस, लिक्विड फॉर्म, शेविंग क्रीम, लिक्विड इमल्सन, मिल्क और फेस क्रीम, सॉलिड, लिक्विड और सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मर्ड, गैस, सॉलिड फॉर्म, रबर, स्पंज और प्यूमिश, लिक्विड, सॉलिड और जेल का, जेली, चीज और बटर, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन का, कलर्ड, गैसियस, मिल्की ग्लास, कलर्ड और गेमस्टोन और मिल्की ग्लास। तो ये आपके एग्जांपल्स कोलाइड के कुछ दिए गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। हेटरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। अलग अलग तरीकों का उपयोग करके मिक्सचर से अलग अलग कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और हेटरोजीनियस मिक्सचर उनके संबंधित घटकों में अलग अलग फिजिकल मेथड से अलग किया जाता है, जैसे हैंड पिकिंग, सेसिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन।
Obtaining colored components from blue या black ink. Process of evaporation is used to obtain colored component from blue या black ink. The process of evaporation is used to separate a substance which is dissolved in water. Process of evaporation. Evaporation process की process से obtain colored component from blue or black. मतलब blue और black से क्या किया जाता है, कलर्ड जो कलर्ड होते हैं, ऑप्टेन कलर्ड होते हैं, कलर्ड को प्राप्त करने के लिए किया जाता है. मतलब इवापोरेशन जो प्रोसेस है इससे क्या किया जाता है, ब्लैक और जो ब्लैक और ब्लू इंक के कलर्ड कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इवापोरेशन का जो प्रोसेस का यूज किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज यूज टू सेपरेट सबस्टांस विच इज डिजॉल्व इन वाटर. और जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस का उपयोग किसी भी पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है जो पानी में डिजॉल्व हो, जो वाटर में घुल जाए. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजली देन द सॉलिड. और यह जो है ये जो होता है ठोस की तुलना में तरल जो होता है आसानी तरीके से बाष्पीकृत हो जाता है, वेपराइज हो जाता है. हेल्प्स इन सेपरेटिंग वोल्टाइल सबस्टांस फ्रॉम नॉन वोल्टाइल सबस्टांस. और जो अस्थिर पदार्थ को क्या किया जाता है, गैर बाष्पीकरण पदार्थों से अलग करने में मदद करता है. जो अस्थिर मतलब कि जो एक जगह नहीं होते हैं, जो एक जगह नहीं होते हैं उसे अलग करने में मदद करता है, नॉन वोल्टाइल सबस्टांस को अलग करने में मदद करता है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग कलर कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. फिल हाफ अ बीकर विद वाटर. पानी के साथ आधा बीकर भरें. पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. बीकर के मुंह पर एक वॉच का ग्लास रखें. पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास. और वॉच के ग्लास पर स्याही के कुछ बूंद डालें, इंक के कुछ बूंद डालें. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. अब बीकर को गर्म करना शुरू करें. वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली. और हम क्या करेंगे, स्याही को सीधे गर्म करना नहीं चाहते. यू विल सी द इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. और हम देखेंगे कि जो इवापोरेशन वॉच के ग्लास से क्या होगा, वॉच इवापोरेशन हो रहा है, यानी वाष्पीकरण घड़ी के ग्लास से हो रहा है. कॉन्टिन्यू हीटिंग एज द इवापोरेशन गोज ऑन द स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास. और जो इवापोरेशन है वो जारी रहने पे हीटिंग जो होगा, हीट होगा वो क्या रहेगा, जारी रखेंगे. वाष्पीकरण जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन को जारी रखने के लिए हीटिंग जारी रखेंगे. और जब आप घड़ी के ग्लास पर कोई और बदलाव नहीं देखते हैं तो हीटिंग बंद कर दें. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, ये आपका देखिए डायग्राम्स है, जो भी मैंने समझाया है ये डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए. सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पानी के साथ आधा बीकर भरें. ठीक है, हमने भर दिया. ठीक है, फिर बीकर के मुंह पर क्या करना है, एक घड़ी का ग्लास रखना है. ठीक है, वो भी आपको दिख रहा होगा. फिर घड़ी के ग्लास पर स्याही के कुछ बूंद डालना है. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो मैंने समझाया ये उसके डायग्राम्स है. ठीक है, ओके. तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क. क्रीम को दूध से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है. इट इज़ अ मैथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सबस्टांस फ्रॉम अ लिक्विड. और यह क्या है, एक तरल पदार्थ के, ये जो एक तरल पदार्थ के सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग करने की एक प्रोसेस है. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई द मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज. यह प्रक्रिया सेंट्रीफ्यूज नामक मशीन द्वारा की जाती है. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used. कभी कभी एक तरल में ठोस कण बहुत छोटे होते हैं और एक फिल्टर पेपर से गुजरते हैं. ऐसे कणों के लिए जो प्रोसेस का उपयोग किया जाता है वो है आपका फिल्ट्रेशन टेक्निक का उपयोग नहीं किया जा सकता. द मिक्सचर इज रोटेटेड रैपिडली सो दैट द हैवियर पार्टिकल्स इन द मिक्सचर सेटल डाउन इन द बॉटम.
मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है ताकि मिश्रण में भारी कण नीचे तक बस जाए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लिक्विड बींग लाइटर रिमेन्स एट द टॉप। और सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मूल सिद्धांत यह है कि डेंसर पार्टिकल्स नीचे की ओर और तरल को हल्का होने के लिए मजबूर किया जाता है, लिक्विड को हल्का होने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कुछ फुल क्रीम दूध ले। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ऑफ फॉर 2 मिनट्स। और सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का उपयोग करके इसे 2 मिनट तक सेंट्रीफ्यूजिंग करना है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज का उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। और क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए डेयरी और घर में उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। गीले कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। सेपरेटिंग टू इमिस्युअल लिक्विड्स। द सेपरेशन ऑफ सेपरेटिंग टू इमिस्युअल लिक्विड्स इज कैरी आउट बाय द यूज ऑफ फनल। कीप के उपयोग से टू इमिस्युअल लिक्विड को अलग करने का कार्य किया जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स फ्रॉम टू सेपरेट लेयर्स। बेसिक प्रिंसिपल्स में शामिल दो तरल पदार्थ के डेंसिटी के बीच का अंतर दो अलग अलग लेयर्स हैं। स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर। पोर द मिक्सचर्स ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। एक अलग कीप में मिट्टी का तेल और पानी का मिश्रण डालें। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। और इसे कुछ देर के लिए बिना रुके खड़े रहने दें ताकि तेल और पानी की अलग अलग परत बन जाए। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अलग करने वाली फनल का स्टॉप कॉक खोलें और पानी की निचली परत को सावधानी से डालें। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक तक तेल पहुंचने के साथ अलग किप के स्टॉप कॉक को बंद करें। एप्लीकेशन ऑफ फनल टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लेज इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। अपने ओर से आयरन के निष्कर्षण में इस विधि द्वारा भट्टी में सबसे नीचे पिघला हुआ लोहा छोड़ने के लिए हल्का लावा ऊपर से उठा दिया जाता है। सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी। इस प्रक्रिया का उपयोग उन मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें एक नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटी से एक उच्च बनाने योग्य अस्थिर घटक होते हैं। सब्लिमेशन इज प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेज्ड ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक पदार्थ सीधे हीटिंग पर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड कैम्फर नेफ्थलीन एंड एंथ्रेन्स आर सब एग्जाम्पल विच कैन सब्लाइम। अमोनियम क्लोराइड कपूर नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन कुछ उदाहरण हैं सब्लाइम के। ठीक है,
जो सबलाइन कर सकते हैं। ये आपका देखिए फिगर है, डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। देखो सारा कुछ गिवन है, नीचे है आपका चाइना डिश, ठीक है, इधर है आपके मिक्सचर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोल्डिफाइड अमोनियम क्लोराइड, इन्वर्टेड फनल और कॉटन प्लग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रोमेटोग्राफी। यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, उन सॉल्वेंट को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है जो एक विलायक में घुलते हैं, जो एक सॉल्यूट में घुलते हैं। यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, और सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए उपयोग किया जाता है। द कलर विच आर मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड इन टू लेयर्स, जो रंग पानी में अधिक घुलनशील होते हैं वे तेजी से उगते हैं और रंग परतों में अलग हो जाते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम रहा, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताया है वो आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन। टू सेपरेट, अलग अलग करना, कलर्स इन अ डाई, एक डाई में रंग, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों से रजक, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड और रक्त से दवाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ओके, तो डियर स्टूडेंट आज का इतना ही टॉपिक था, 6 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, और वीडियोस को आप लोग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब किए ही नहीं है, वो वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड कलर का बटन होता है उसे पुश करना होता है, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। वो ये बेनिफिट होगा कि जो भी मैं वीडियो आपके क्लास 9 से रिलेटेड टॉपिक पर डालूंगी तो वो आप लोग को सेम टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके बाय, चेक किया, हैव अ नाइस डे।